हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टूडेंट लेटर। और हम अपना वीडियो सीरीज फिजिक्स नो थ्योरी ओनली कॉन्सेप्ट, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर चल रहा है हमारा मोशन इन वन डायमेंशन, और पिछले क्लास में हमने पढ़ा था स्पीड, एवरेज स्पीड फाइंड आउट करने का प्रोसेस। और इस टॉपिक इस वीडियो में हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी। तो कंपैरिजन होगा बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी क्या होता है। सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग स्पीड एंड वेलोसिटी, हम लोग समझ लेते हैं सबसे पहले कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस की बात की जाए तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें किसी भी डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। मतलब अगर आप किसी पॉइंट से चलना चालू करते हैं तो विदाउट डायरेक्शन को बिना ध्यान में रखे जो जो लेंथ आप ट्रेवल कर रहे हैं सभी लेंथ को ऐड करते जाइए, दैट विल गिव डिस्टेंस। मतलब यहाँ से किसी ने चलना चालू किया पॉइंट ए से, वट एवर द डायरेक्शन इट फॉलोज, सभी डायरेक्शंस को, सभी डिस्टेंस को, सभी लेंथ को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो वो टोटल हमारा डिस्टेंस बताएगा। और अभी अभी नहीं बताया कि स्केलर क्वांटिटी है। चलिए डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो सपोज इसने यहाँ से चलना चालू किया, अलग अलग डायरेक्शन फॉलो करके फाइनली किसी इस पॉइंट पे पहुँचता है, बी पॉइंट पे। तो डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मतलब ए से बी तक पहुँचने में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो ट्रेवल कर सकता था उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से बात करी जाए कि बी तक पहुँचने में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता था वो क्या था, तो ये ए टू बी डायरेक्टली जा सकता था, तो दैट विल बी कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पर ये वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन का रोल आ जाता है, क्योंकि ए से बी की तरफ कैसे गया ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाता है। तो ओवरऑल डिस्टेंस मतलब whatever the length it travels that will be summed up, उसको हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट मतलब हम लोगों को मतलब नहीं है कि उसने क्या क्या लेंथ ट्रेवल किया, हम लोग केवल फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट को देखेंगे, और फाइनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट का जो पोजिशन में जो डिफरेंस होगा दैट विल बी कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। चलिए स्पीड, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट कि स्पीड जो होता है वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन होता है। अपनी वेलोसिटी की अगर बात की जाए तो बस डिफरेंस ही होता है कि स्पीड स्केलर है, हमारा वेलोसिटी जो हो जाएगा वो वेक्टर हो जाएगा। मतलब इस बार डील किससे करेंगे हम लोग, डिस्प्लेसमेंट से। स्पीड में डील कर रहे थे डिस्टेंस से, वेलोसिटी में डील करेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट से। तो वेलोसिटी विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो ओवरऑल हमने ये फॉर्मूलाज देख लिए, अब हम लोग इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे तो इसका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन वन आपके स्क्रीन पर है, और क्वेश्चन है ए मैन मूव्स फ्रॉम अ प्लेस पी टू क्यू विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकंड एंड देन रिटर्न्स बैक टू पी अलोंग द सेम रूट विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, देन कैलकुलेट द एवरेज स्पीड एंड ऑल्सो कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी। तो क्वेश्चन में दो डेटा हमारे पास दिया हुआ है, एक तो पी से क्यू कोई मूव करना चालू करता है, पी से क्यू की तरफ जाता है, और उसका जो स्पीड है स्टार्टिंग में स्पीड वो है 40 मीटर पर सेकंड, और दोबारा वो रिटर्न बैक जब होता है तो रिटर्न बैक के टाइम उसका जो स्पीड होता है वो होता है 20 मीटर पर सेकंड। हम लोगों को पहले निकालना है एवरेज स्पीड क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर रखे हैं, तो एवरेज स्पीड तो तुरंत निकाल सकते हैं। मान लेते हैं कि इसका जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो डी है, ठीक है। अब डिस्टेंस ट्रेवल डी है मतलब 40 मीटर पर सेकंड भी डिस्टेंस जो ट्रेवल किया वो भी डी है, रिटर्न बैक में भी वही सेम डिस्टेंस ही होगा। तो ओवरऑल अगर टोटल डिस्टेंस की बात की जाए, हम लोग एवरेज स्पीड जो निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस हो गया डी प्लस डी, दैट इज टू डी अपॉन टाइम टेकन हम लोग निकालते हैं। तो टाइम कैसे निकालेंगे भाई, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम, इसका डिस्टेंस सेम डी ही होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी टाइम। तो डी अपॉन 40 प्लस डी अपॉन 20, देख लेते हैं इसको क्या होता है, 2d, डी डी हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं कॉमन लेकर के, तो उसको हटा दिया जाए, 2 डिवाइडेड बाई 1/40 प्लस 1/20। दोनों का एलसीएम क्या होना चाहिए, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 40, यहाँ पर आ गया 1, यहाँ पर आ गया 2, और ऊपर में हमारे पास 2 ही है, तो 2 × 40/3, यानी ओवरऑल हमारे पास आंसर आ गया 80/3 मीटर पर सेकेंड। ये तो बात कर ली हमने एवरेज स्पीड की, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन इस पर किए हैं। अब जो नया पॉइंट इसमें है, जो हम लोग नया क्वेश्चन जो डिस्कस करेंगे वो है इसकी वेलोसिटी क्या होगी। वेलोसिटी के बारे में अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि वेलोसिटी इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो जैसे ही वेलोसिटी का हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आ जाएगा। देखिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए
पी स्टार्ट करता है मूवमेंट करना और क्यू तक पहुंचता है 40 मीटर पर सेकंड से, रिटर्न बैक होता है 20 मीटर पर सेकंड से। रिटर्न बैक का मतलब वापस वो कहां पर आ गया, पी पर ही आ गया, यानी पी से चलना चालू किया और फिर से पी पर ही रिटर्न हो गया। तो ओवरऑल उसने अगर फाइनल और इनिशियल पॉइंट्स के बीच का जो पोजीशन का जो डिफरेंस बोला जाए तो क्या होगा, वो जीरो, बिकॉज वो सेम पोजीशन पर है। तो डिस्प्लेसमेंट इसमें क्या हो गया हमारा, जीरो। और टाइम, वट एवर टाइम से हमको कोई मतलब ही नहीं है, जीरो जब ऊपर में आ गया तो वेलोसिटी विल बी जीरो। सो इस तरह से हमने देखा कि एवरेज स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस हो सकता है आंसर में। तो कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में गलती नहीं कीजिएगा, स्पीड अगर पूछा जाए तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करना है, और वेलोसिटी पूछा जाए देन वी विल कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू द सेम टॉपिक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ही है, ए मैन ट्रेवल्स 100 मीटर ड्यू ईस्ट विथ अ कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो ईस्ट की तरफ वो जा रहा है और 20 मीटर पर सेकेंड ट्रेवल करता है 100 मीटर्स। ओके, ही स्टॉप्स देयर फॉर 5 सेकेंड एंड देन रिटर्न्स बैक अलोंग द सेम रूट विथ अ कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। वहाँ जाकर वो 5 मिनट रुकता है और वापस रिटर्न बैक होता है, बट इस बार स्पीड उसकी क्या हो गई, 10 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ द मैन। ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है जो अभी हमने देखा, थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि वहाँ पर वो जाकर के कुछ रेस्ट भी ले रहा है। तो देख लेते हैं पहले डेटा जो दिए हुए हैं हमारे पास क्वेश्चन में। पहले 100 मीटर जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, 100 मीटर उसने ट्रेवल किया, 100 मीटर ट्रेवल किया 20 मीटर पर सेकंड से, वहाँ जा करके वो कितनी देर के लिए स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है 5 सेकंड के लिए, वो रुक जाता है वहाँ जा करके, और वापस से वो सेम पाथ ट्रेवल करके इस बार पहुँच जाता है सेम पॉइंट पर, लेकिन इस बार स्पीड जो हो जाती है उसकी होती है 10 मीटर पर सेकंड। तो लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड एवरेज स्पीड हम लोग फाइंड आउट करते हैं और फिर हम लोग वेलोसिटी इसका निकालेंगे। ओके, तो 100 मीटर ट्रेवल किया, चलिए ठीक है, डिस्टेंस ये है हमारा 100 मीटर, ये डिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, स्पीड की बात कर रहे हैं। तो स्पीड जो है 100 मीटर ट्रेवल करने के दौरान इसका था 20 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना लिया ये तो हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, 100 डिवाइड बाय 20 यानी 5 सेकंड इसने टाइम लिया, और 5 सेकंड अगली बार क्या होता है, 5 सेकंड रेस्ट करता है। मतलब अब इस ड्यूरेशन में क्या किया, कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं, कोई स्पीड नहीं, रेस्ट किया इसने 5 सेकंड के लिए, चलिए ठीक है। अब वापस ये फिर से कितना मीटर जा रहा, 100 मीटर ही जा रहा। तो डिस्टेंस हमारे पास है इस बार 100 मीटर, स्पीड इस बार है हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड देखिए 10 मीटर पर सेकंड हो गया। इस बार जो टाइम लिया वो कितना लिया होगा, तो अगेन डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड यानी 100 बाय 10 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। चलिए, डिस्टेंस और टाइम इसी से मतलब है हमें एवरेज स्पीड के लिए। एवरेज स्पीड की बात करें तो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ही तो होता है। तो टोटल डिस्टेंस कितना है हमारा देख लेते हैं यहाँ पे, 100 प्लस 100 कितना हो गया 200, टाइम कितना लिया 5 प्लस 5 प्लस 10 यानी 20, तो कितना आ गया ये 200 डिवाइडेड बाई 20 यानी 10 सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये एवरेज स्पीड हमारा आ गया। अब इसी में जो अगला पार्ट है क्वेश्चन में ही, एवरेज वेलोसिटी निकालने के, या वेलोसिटी निकालने के बाद फिर से अभी अभी जो हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया ये यहाँ से स्टार्ट होता है, 5 सेकंड भले ही रुके वहाँ पे कुछ भी करे, फाइनली यहीं पर वापस पहुँच जाता है, यानी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में अभी भी कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसका मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो, इट मीन्स अल्टीमेटली वेलोसिटी विल बी जीरो। तो अगेन इन दिस क्वेश्चन वेलोसिटी इज जीरो। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द सेम टॉपिक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है और क्वेश्चन है, ए कार मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 10 मीटर, इट कंप्लीट्स 5 रिवॉल्यूशंस इन 5 मिनट, व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड एंड ऑल्सो फाइंड इट्स एवरेज वेलोसिटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन क्या कह रहा है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोई कार मूव कर रहा है एक सर्कुलर पाथ पर, और उस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस दिया हुआ है वो 10 मीटर दिया हुआ है, और जो डेटा हमारे पास है, दो डेटा है, वो ये है कि 5 रिवोल्यूशंस ये कंप्लीट कर रहा है और जो टाइम ले रहा है वो है 5 मिनट्स, ये 5 रिवोल्यूशंस कंप्लीट करने में। तो जब ये एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है तो उसमें टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो कितना होगा। तो डिस्टेंस यानी इसी लेंथ को ट्रेवल कर रहा, और ये लेंथ क्या होता है, ये होता है सर्किल का सर्कमफेरेंस, और सर्किल का सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा, 2πr, 2π विल बी द सेम, r का वैल्यू 10 मीटर है तो 2π इंटू 10 हो गया ये 20π। ये तो बात रही ये लेंथ
एक रिवॉल्यूशन का है, हमारे पास टोटल रिवॉल्यूशंस कितने हैं 5, तो डिस्टेंस जो टोटल ट्रेवल करेगा वो 5 टाइम्स ऑफ दिस यानी 5 × 20π। अब टाइम जो हमारे पास है वो कितना है 5 मिनट्स। फ्रेंड्स हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि जो एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड उसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया वो कितना ट्रेवल किया 5 रिवॉल्यूशन में, 5 × 20π। इसको यहाँ पे रख देते टोटल डिस्टेंस की जगह पर 5 × 20π, और टोटल टाइम जो इसने कंज्यूम किया इस दौरान वो 5 मिनट्स, तो 5 मिनट्स नीचे रख देते हैं। चलिए ये मीटर में है और ये मिनट में है, 5 5 कैंसिल आउट हो गया, हमारा आंसर आ गया 20π मीटर पर मिनट। तो ये तो हाफ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड वाज वेरी सिंपल। अब बात कर लेते हैं वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि वेलोसिटी इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो जब डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो सब डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है इनिशियल और फाइनल पोजिशंस के बीच का डिफरेंस, अभी कितना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। कार मूव करना यहाँ से स्टार्ट करता है, रिवॉल्व करना, और फर्स्ट राउंड में फिर वापस यहाँ पहुँच जाता है, सेकंड फिर रिवॉल्यूशन में फिर से यहाँ पहुँच जाता है, जो भी हो 5 रिवॉल्यूशन क्यों ना ट्रेवल करे, वापस वो किस पॉइंट पे पहुँच जाएगा, इसी पॉइंट पे पहुँच जाएगा। यानी इनिशियल एंड फाइनल पोजिशंस आर सेम, इट मीन्स उन दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, कुछ भी लेंथ में डिफरेंस नहीं है। इट मीन्स ओवरऑल जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो हमारा जीरो हो गया। अब ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो हो गया तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जीरो है हमारा, अपॉन जो भी टाइम लगा 5 मिनट या वॉट एवर, वेलोसिटी विल बी अल्टीमेटली जीरो। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने फाइंड आउट कर लिया स्पीड और वेलोसिटी इस क्वेश्चन में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है और क्वेश्चन है, ए साइक्लिस्ट मूव्स फ्रॉम ए टू बी ऑन ए सर्कुलर पाथ ए बी सी डी ऑफ रेडियस 10 मीटर इन 5 सेकेंड, कैलकुलेट इट्स एवरेज स्पीड एंड ऑल्सो फाइंड इट्स एवरेज वेलोसिटी। तो क्वेश्चन में दिया हुआ फिगर मैंने रीड्रॉ कर लिया है और क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि कोई साइक्लिस्ट है, वो ए पॉइंट से मूवमेंट स्टार्ट करता है और बी पॉइंट तक जाता है थ्रू दिस पाथ, और इस यहाँ से यहाँ पहुँचने में जो टाइम लेता है वो 5 सेकेंड लेता है, रेडियस दिया हुआ है 10 मीटर, हमें फाइंड आउट करना है इसका एवरेज स्पीड कितना हुआ और वेलोसिटी कितना हुआ। तो एवरेज स्पीड की जब बात की जाए तो एवरेज स्पीड का हमारा फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। चलिए तो टोटल डिस्टेंस मतलब ए से बी तक इसका डिस्टेंस कितना है, मतलब लेंथ कितना है, वो हम लोग फाइंड आउट करते हैं। सर्किल के सर्कमफ्रेंस की बात की जाए तो सर्कमफ्रेंस होता है 2πr, ए टू बी जो लेंथ है वो क्या है 1/4 ऑफ टोटल है, तो 1/4 कर देते हैं, 2πr के जगह पर रेडियस हमारा दिया हुआ है 10, तो 10 / 4, ये हमारा क्या निकल गया, ये लेंथ निकल गया फ्रॉम ए टू बी, दैट इज डिस्टेंस। टाइम की बात की जाए, ये डिस्टेंस हमारा आ गया, टाइम की बात की जाए तो टाइम तो ऑलरेडी गिवन ही है 5 सेकेंड। चलिए ये दोनों डेटा हमारे पास है, डिस्टेंस भी है और टाइम भी है, इसको यहाँ पर बस पुट कर देंगे, तो 2π × 10/4 और डिवाइडेड बाई 5 सेकेंड्स। सो 5 से ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 2 × 2 = 4, ये 4 कैंसिल हो गया, ओवरऑल हमारे पास कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड, ये इसका एवरेज स्पीड आ गया। अब सेम क्वेश्चन में हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, एवरेज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की जब भी बात की जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे, ए से बी तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब इनिशियल पोजीशन वाज दिस, और चाहे वो पाथ कुछ भी मूव किया हो फाइनली वो बी तक पहुंचा, तो ए से बी तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो वो ट्रेवल कर सकता था उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो सबसे पहले ये डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करते हैं, तो इट इज़ वेरी सिंपल, यू कैन सी हियर दैट ये एक सिंपल सा राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके 10 मीटर 10 मीटर दो साइड्स हैं, तो ऑफ कोर्स ये जो हाइपोटेनियस होगा वो हमारा 10√2 होगा। आप लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, अंडर रूट 10² + 10² इस तरह से, हाइपोटेनियस इक्वल्स टू ओके, तो फाइनली हमें मिल जाएगा 10√2 मीटर। तो ये आ गया ए टू बी लेंथ, या फिर ये बोलिए डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मिल गया, टाइम तो वही हमारा ये 5 सेकेंड। फाइंड आउट क्या करना है, वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला फिर क्या रख देंगे हम लोग, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारा 10√2, टाइम कितना लिया है उसने 5 सेकेंड, तो 5 × 2 = 10 यानी 2√2 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हमने दोनों चीज़ें निकाल ली,
स्पीड, एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है डेटा जो पिछले क्वेश्चन का था, बट उसमें डिफरेंस ये है कि पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने साइक्लिस्ट जो हमारा था वो ए टू बी तक जा रहा था, इस क्वेश्चन में क्या है जो साइक्लिस्ट है वो ए टू सी तक जा रहा और जो टाइम कंज्यूम कर रहा, जैसा कि क्वेश्चन स्क्रीन पर लिखा हुआ है, द साइक्लिस्ट मूव फ्रॉम ए टू सी इन 10 seconds, तो टाइम जो कंज्यूम कर रहा वो 10 seconds कंज्यूम कर रहा, तो टी इज दिस टाइम 10 seconds और साइक्लिस्ट मूव कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, ए टू सी। तो ए टू सी मूवमेंट के लिए पहले हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे एवरेज स्पीड के लिए। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे सामने, देखिए ए टू सी 2πr का हाफ यानी पाई आर हमारे पास बचेगा, ठीक है, पाई आर इज व्हाट 10 meters। चलिए ये तो डिस्टेंस मिल गया, टाइम पता ही अपने को 10 seconds, तो इस बार भी एवरेज स्पीड जो होगा वो क्या हो जाएगा, सेम जैसे पिछले क्वेश्चन का आंसर आया था, दैट इज पाई इंटू 10 डिवाइड बाई टाइम, यानी 10 कैंसिल हो गया, तो पाई मीटर पर सेकेंड। बट अब बात कर लेते हैं वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी इसमें क्या हो जाएगा, वेलोसिटी के हम लोग क्या करेंगे, ए से सी का डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, मतलब इनिशियल पोजीशन इज दिस, फाइनल पोजीशन इज दिस, इन दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट लेंथ है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो ये 10 meters है रेडियस, इधर भी 10 meters है, टोटल कितना हो गया ये 20 meters, यानी डिस्प्लेसमेंट हमें कितना मिल गया, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू आ गया 20 meters और टाइम तो वही लग रहा, टाइम इज 10 seconds, इट मीन्स वेलोसिटी विल बी displacement upon time, तो displacement हमारा है 20 meters और divided by time जो है वो 10 seconds, यानी मिल गया हमें answer 2 meters per second। सो फ्रेंड्स यू कैन सी हाउ वी कैन टैकल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, जब सर्कुलर पाथ में मूवमेंट हो तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं और वेलोसिटी कैसे निकालते हैं?